हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बता रही हूँ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो मेथड्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड का मतलब है कि जॉब करते करते ही जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो सारे मेथड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाते हैं, और वो सारे मेथड्स जिनको कि परफॉर्म करने के लिए, जिनके थ्रू ट्रेनिंग देने के लिए जॉब से ब्रेक लेना होता है, भले ही वो 2-3 घंटे का हो, 1-2 दिन का हो या इससे ज़्यादा का हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ, जो स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम जो कि लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और स्किल इन्हेंसमेंट का ही प्रोग्राम जो कि सीनियर और हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्म किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, वो प्रोग्राम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है। दिए हुए जितने भी मेथड हैं, चाहे वो ऑन द जॉब मेथड्स हों या फिर ऑफ द जॉब मेथड्स, उनमें से कुछ लोअर एंड मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि कुछ हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए उपयुक्त होते हैं। ये HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोग्राम को प्रिपेयर करते वक्त उन स्पेसिफिक मेथड्स का चुनाव करें जिनके थ्रू स्पेसिफिक इंडिविजुअल की, स्पेसिफिक कैडर की, स्पेसिफिक लेवल की ट्रेनिंग नीड्स पूरी हो पाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग जो है, इसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्क होता है उसको सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसमें एक ट्रेनर या जिसको इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, वर्क को सिंपल स्टेप में ब्रेक डाउन करके समझाता है, और जिस वजह से इसको पूरा करना काफ़ी इजी हो जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव, फास्ट एंड सिस्टमैटिक मेथड है, जिसके थ्रू वर्कर्स सेफली एंड करेक्टली किसी भी वर्क की ट्रेनिंग ले पाते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो कि न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स, वैल्यूज़, कल्चर, जॉब और जो जॉब की एक्चुअल वर्किंग प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाता है, बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। इसके साथ साथ जो कलीग्स हैं जिनके साथ उसको वर्क करना है, उनके साथ में इंटरेक्शन आदि के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेनिंग का वो मेथड है जिसमें इंडिविजुअल को प्रोफेशनली वेल ट्रेंड करके, यानी कि जो एक्चुअल जॉब है उस पर प्लेस करने से पहले उसको एक्सपर्ट बनाने के बाद ही प्लेस किया जाता है। ये ट्रेनिंग ऐसे ऑक्यूपेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड मैनुअल या फिर टेक्निकल वर्क होता है, या वर्क जो होता है वो काफ़ी रिस्की होता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का वर्क, प्लम्बर का वर्क, या फिर हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं उनका वर्क, मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड वर्क आदि। नेक्स्ट है इंटर्नशिप एंड असिस्टेंटशिप ट्रेनिंग। जिस तरीके से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसी भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन में एक्सपर्टीज के लिए प्रोवाइड की जाती है, उसी तरीके से जो इंटर्नशिप या फिर असिस्टेंटशिप है, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य एक्सपीरियंस लेना होता है, इससे इंडिविजुअल को उससे रिलेटेड वर्क प्रोसीजर की जानकारी हो सके। बेसिकली जो एजुकेशनल या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज के साथ में टाई अप या फिर स्पेसिफिक अरेंजमेंट के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्लेस करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को रिलेटेड फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके, जो कि उनके फ्यूचर से रिलेटेड जॉब में और उनकी जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसको ग्रूम करने में फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन या फिर पोजीशन रोटेशन। ये ट्रेनिंग की वो टेक्निक है जिसमें एम्प्लॉई को 2 या 2 से अधिक जॉब्स पर रोटेट करके डिफरेंट एंड वाइड वेराइटी की जो स्किल्स होती हैं उनका एक्सपीरियंस कराया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को समझ सकें, डिफरेंट बिहेवियर को समझ सकें, और उन डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल्स इन्हेंस हो। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है कोचिंग एंड काउंसलिंग। कोचिंग एंड काउंसलिंग 1-to-1 ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है, यानी कि एक सिंगल जो ट्रेनर होता है वो सिंगल ट्रेनी को कोच करता है या फिर सिंगल इंडिविजुअल की काउंसलिंग करता है। कोचिंग का मतलब है सीनियर के द्वारा सबॉर्डिनेट को जॉब से रिलेटेड बिहेवियर के प्रोसीजर्स को समझाना। सीनियर एक कोच की तरह बिहेव करता है और सबॉर्डिनेट्स को वर्क एंड सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसे समझाता है। दूसरी तरफ जो काउंसलिंग है, ये वो मेथड है जिसमें फेस्ड हो चुकी जो सिचुएशन होती हैं, फेस्ड हो चुकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको गाइड किया जाता है, जिसमें काउंसलर एडवाइज़र का रोल प्ले करता है,
प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। काउंसलिंग में कोचिंग की तरह स्पेसिफिकली टीचिंग नहीं की जाती। बेसिकली कोचिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी फ्यूचर में किस तरीके से आपको बिहेवियर करना है, किस तरीके से जॉब को परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड आपको सलाह दी जाती है, आपको टीचिंग दी जाती है, लर्न कराया जाता है। जबकि काउंसलिंग में आपने पास्ट में जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं उनसे रिलेटेड आपको सलाह दी जाती है कि किस तरीके से आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। सो कोचिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड काउंसलिंग इज पास्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है अंडर स्टडी। ये मेथड उन एम्प्लॉयज के लिए होता है जिनको कि किसी सीनियर एम्प्लॉय की अब्सेंस की स्थिति में उनकी जगह पर वर्क को परफॉर्म करना होता है। ऐसे केस में इन एम्प्लॉयज को सीनियर एम्प्लॉयज के अंडर में वर्क करने के लिए दिया जाता है, जिसमें वो सीनियर एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। जो सीनियर एम्प्लॉय होता है वो उनको अपनी वर्किंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देता है। फाइनली इस ट्रेनिंग के द्वारा एक एम्प्लॉय सीनियर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले हैंडल करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड कमेटी असाइनमेंट। प्रोजेक्ट असाइनमेंट के थ्रू एक प्रोजेक्ट को कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। इस ग्रुप को टास्क फोर्स कहा जाता है, जिसका काम गिवन टास्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी करना तथा उनसे रिलेटेड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकालना होता है। इस मेथड के थ्रू रियल सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स को बढ़ाने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो कमेटी असाइनमेंट मेथड है वो भी जस्ट लाइक प्रोजेक्ट असाइनमेंट मेथड है। इस मेथड में एक परमानेंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर दिया जाता है। कमेटी असाइनमेंट की वर्किंग एंड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सिमिलर टू प्रोजेक्ट असाइनमेंट ही होते हैं। ये दोनों ही टेक्निक्स प्लांट प्रोग्रेशन के अंतर्गत वर्क करती हैं। प्लांट प्रोग्रेशन वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू इंडिविजुअल को प्रोग्रेसिव किया जाता है, यानी आने वाली सिचुएशन से आने वाली पोजीशंस के लिए रेडी किया जाता है। जो लास्ट ऑन द जॉब टेक्निक है दैट इज मल्टीपल मैनेजमेंट या फिर जूनियर बोर्ड। इस मेथड में यंग एग्जीक्यूटिव्स को लेकर एक जूनियर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसका वर्क जो होता है वो सिमिलर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होता है। ये जूनियर बोर्ड सभी जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करता है, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन निकालता है, उनसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेता है और उनको फाइनली अप्रूवल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पास कर देता है। जूनियर बोर्ड को बनाने का मेन मकसद यंग एग्जीक्यूटिव्स को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स बताने के बाद में अब बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की। सबसे पहले है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होती है वो ऐसा मेथड है जिसमें एक डुप्लीकेट मशीन या फिर ओवरऑल डुप्लीकेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसमें उस वर्क से रिलेटेड एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो ट्रेन्ड ट्रेनर होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग ऐसे सिचुएशन में प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर कि किसी भी मशीनरी या किसी भी वर्क पर हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। ऐसे केस में एक आइडेंटिकल मशीन्स या आइडेंटिकल वातावरण तैयार किया जाता है, जिसके थ्रू इंडिविजुअल को प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद ही उसको एक्चुअल वर्क सिचुएशन पर, एक्चुअल वर्क प्लेस पर प्लेस किया जाता है। एग्जांपल्स के लिए पायलट को ट्रेनिंग देते वक्त वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासरूम ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग होती है वो किसी क्लासरूम में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है। लेक्चर्स, केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑडियो विजुअल के थ्रू ये क्लासरूम ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे सुटेबल मेथड है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट ऑफ द जॉब मेथड है सिलेक्टिव रीडिंग। मैनेजमेंट वो एरिया है जहाँ पर लगातार नई रिसर्चेज होती रहती हैं, नए आइडियाज़, नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। इन सारे आइडियाज़, रिसर्चेज एंड कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट जर्नल्स, सिलेक्टेड मैगजीन्स एंड पेपर्स के थ्रू इजीली अवेलेबल होता है। सो सेलेक्टिव रीडिंग वो मेथड है जिसके थ्रू इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट करता है। ये ट्रेनिंग की वो टेक्निक है जिसके थ्रू इंडिविजुअल अपनी मैनेजरियल स्किल्स को एनहेंस करता है। सो सेलेक्टिव रीडिंग इज रिलेटेड टू हायर लेवल एम्प्लॉयज। देन जो टेक्निक है दैट इज लेक्चर्स। ये काफ़ी ईजी ट्रेनिंग की टेक्निक है जिसमें लेक्चर के थ्रू काफ़ी
ह्यूज पॉपुलेशन को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इससे कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज में इन्हेंसमेंट होता है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। ये टेक्निक बेसिकली एम्प्लॉयज़ में एनालिटिकल स्किल्स, लिसनिंग पावर, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए इस ट्रेनिंग का यूज़ होता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसमें कि सभी इंडिविजुअल्स का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है केस स्टडी मेथड, जिसमें कि किसी रियल आइडेंटिकल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एम्प्लॉयज़ के आगे रखा जाता है सो दैट कि वो उसको एनालाइज कर पाएँ, उसको समझें और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। इस मेथड के थ्रू एम्प्लॉयज़ की एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हेंस करने की बात कही जाती है। नेक्स्ट मेथड है कॉन्फ्रेंस मेथड। इसमें कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। एक्सट्रीमली फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लान के थ्रू इन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। कॉन्फ्रेंस मेथड में डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ डिस्कशन करते हैं। सो ये मेथड बेसिकली कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, एनालिटिकल स्किल्स को इन्हेंस करने की बात करता है। नेक्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग मेथड, जिसमें ट्रेनी को किसी स्पेसिफिक रोल को प्ले करने के लिए बोला जाता है जिससे कि वो उस रिलेटेड रोल के क्वालिटीज़, ड्रॉबैक्स आदि को समझ सके, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सके एंड दूसरों को क्रिटिसाइज कर सके। नेक्स्ट ऑफ द जॉब मेथड है इन बास्केट एक्सरसाइज, जिसमें कि जो ट्रेनी होता है उसको उसके फंक्शनल एरिया से रिलेटेड डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उसके सामने रखा जाता है, जिसको प्रॉपरली एनालाइज करके उनके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करके एक फाइल में कंपाइल करके एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट गेम्स। इस टेक्निक के थ्रू डिफरेंट इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव गेम्स को एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। गेम्स में 2 से लेकर 6 इंडिविजुअल तक की टीम्स बना दी जाती हैं। इंटरैक्टिव गेम्स जो होते हैं उनमें एक टीम की जो परफॉर्मेंस होती है वो दूसरे टीम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, जबकि जो नॉन इंटरैक्टिव गेम्स होते हैं उसमें टीम्स इंडिविजुअली परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट ऑफ द जॉब टेक्निक है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन को स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटेड रूप में प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्रेनी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है और ट्रेनी को उन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसको कि टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। इस मेथड को कुर्ट लुइन ने डेवलप किया था। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहलाती है। इस ट्रेनिंग के थ्रू मैनेजर्स को, इंडिविजुअल्स को उनके खुद के बिहेवियर के बारे में सेल्फ अवेयर कराया जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है और इसके साथ साथ लीडरशिप स्किल्स एंड टीम वर्क की स्किल्स सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव होती हैं। लास्ट मेथड है दैट इज़ ई लर्निंग, जिसमें कि इंटरनेट के यूज़ के थ्रू रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोज़ के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।